हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे। सो गाइस आज के वीडियो का जो टॉपिक है उसको हम ज़्यादा लंबाएंगे नहीं। एंड देखो कोई भी एक बिगिनर होता है जिसने अभी अभी एक्सरसाइज करना चालू किया है, तो उसको सबसे पहला डाउट यही आता है कि मैं मेरे दिन में एक्सरसाइज कभी करूँ, वर्कआउट कभी करूँ, कौन सा टाइम चूज़ करूँ, राइट। और बहुत ही फेमस एडवाइस जो कि हम एक दूसरे को देते हैं वो ये देता है कि सुबह उठ के जल्दी कसरत करनी चाहिए, मॉर्निंग वर्कआउट। क्यों? देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह में एक्सरसाइज करना बहुत ही बुरी बात है, अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जिनके दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ जाता है कि सुबह वर्कआउट करोगे तो ही अच्छा है, वरना दूसरे मीन्स आपके नॉर्मल डे में आप कभी भी वर्कआउट करो तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह में वर्कआउट नहीं किया ना, तो ये बहुत लोगों के दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ गया होता है, गलत फहमी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग ऐसा ही मानते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसा जो मानते ही है। तो देखो आप वर्कआउट करते हो तो आप कभी भी कर सकते हो दिन में आपके, उससे वो रिजल्ट तो आने ही है क्योंकि आप अपनी बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हो, उसको स्ट्रेस दे रहे हो, तो उसके सामने में मीन्स उसके रिएक्ट वो बॉडी तो आपकी रिएक्ट करेगी, उसके ऊपर आप स्ट्रेस दे रहे हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक्सरसाइज कभी करते हो, सुबह में करो, दोपहर में करो, शाम में करो, या तो बहुत लोग होते हैं जो भी रात भी जिम जाते हैं, रात में भी घर पे कसरत करते हैं, तो ये बात नहीं है, मीन्स वो मैटर नहीं करता, टाइम मैटर नहीं करता है। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए कि आपका जो वर्कआउट होता है उसके पहले वाली मील और उसके बाद वाली मील, मीन्स प्री वर्कआउट मील एंड पोस्ट वर्कआउट मील, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। मीन्स आपका जो खान पीन है ना, आप क्या खाते हो पीते हो, वो बहुत ही मैटर करता है। देखो आपकी जो बॉडी होती है ना वो डिपेंड होती है आपकी एक्सरसाइज से ज़्यादा आपके डाइट पे, कि आप क्या खाते हो। कि अगर मैं एक्सरसाइज करके सब बाहर का कचरा खाऊंगा, सब कार्ब्स वाला खा जाऊंगा, या तो फैट्स वाला सब ऑयली खाऊंगा, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे जितने भी पसीना है ना वो सब गया खड्डे में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा खान पीन ही बराबर नहीं है। तो आप ये मैटर नहीं करता कब एक्सरसाइज कभी करते हो, ठीक है, आपका खान पीन कैसा है वो मैटर करता है, बाकी आप कभी भी एक्सरसाइज करो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो और मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का एक फ़ायदा है कि देखो आपका जब भी नॉर्मल डे में आप मींस आपका देखो फ़ोन, हम दिन अपना कैसे चालू करते हैं, फ़ोन में देखेंगे क्या आया, कौन सा मेल आया, कौन सा किसका मैसेज आया, राइट, सब लोग ऐसा ही करते हैं। तो क्या होता है आप सुबह के बाद मींस दोपहर, अगर मैं दोपहर में एक्सरसाइज करता हूँ तो उससे होता क्या है कि मैं बीच में अपना मोबाइल देखते करूँ क्योंकि किसी का फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया, किधर जाना पड़ गया, फैमिली मैटर है, या तो किसी काम से जाना पड़ा, तो क्या बीच में इंटरप्शन आता है, ठीक है, एक्सरसाइज के बीच में। तो ये मॉर्निंग वर्कआउट का यही बेनिफिट है कि आपको आपका दिन बहुत ही जल्दी चालू हुआ है ना, तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं, आप घर वाले भी सो रहे हैं, एकदम साइलेंस का माहौल है, मस्त अपने धुन में आप म्यूज़िक लगाओ, हेडफोन्स लगाए, एक्सरसाइज चालू कर दी, तो ये एक बेनिफिट है एक्सरसाइज का। बाकी आप अगर देखो सबके बस की बात होती नहीं है, मीन्स कोई लोग को नहीं जमता है सुबह में वर्कआउट करना, उनको टाइम नहीं होता है, ऑफिस होती है, स्कूल होती है, कॉलेज होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर मैं दूसरे टाइम पर एक्सरसाइज करूँगा तो मुझे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ये टोटली मिसकंसेप्ट है। सो अगर आप भी ऐसा मानते हो तो ऐसा मत मानना, आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही, उसमें कोई शक की बात नहीं है। सो गाइस आई होप आपको ये जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा, एंड इसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग को ऐसी गलत फहमियाँ होती है, लेकिन उसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करने में कोई हर्ज नहीं है। सो गाइस ऐसे ही फिटनेस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऐसे ही बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी चेक कर लेना, एंड मिलता है इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।